सावन में भूलकर भी ना करें ये काम। आखिर ऐसे कौन से काम हैं जिसे आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम सभी अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं कि पूजा करते समय किसी तरह की भूल चूक ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ना चाहते हुए भी अनजाने में हमसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी देवी देवताओं के प्रकोप को भी झेलना पड़ता है, या यूँ कह लें कि वो हमसे नाराज हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है और भगवान शंकर को समर्पित ये माह है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो इस माह में हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल एसोसिएट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, और हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस करें। भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से पाने के लिए सावन का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का महीना शुरू होने वाला है और कहा जाता है कि इस महीने में शिव आराधना से भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं, लेकिन साथ ही इस दौरान कुछ कामों को करना पूरी तरह से वर्जित होता है। यदि कोई व्यक्ति इन कामों को नहीं करता तो भोले बाबा उस पर कृपा बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं कि अध्यात्म ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक मतों के अनुसार भी सावन में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, बड़ों का अपमान ना करें। माता पिता, मित्रों, बुजुर्ग व्यक्तियों, गुरुजनों, जीवन साथी, भाई बहन का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन लोगों का दिल से सम्मान करेंगे तो भोले बाबा आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे, जिससे आपकी हर इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। दूसरा है, बुरे विचारों से दूर रहना। इस महीने मन में बुरे ख्याल लाने से बचें। दूसरों को नुकसान पहुँचाने वालों, अधार्मिक कार्य करने वालों का मन भगवान शिव की पूजा में नहीं लग पाता और उन लोगों से भगवान शिव प्रसन्न भी नहीं होते। वहीं इस महीने में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी कार्य करना, लोगों की भलाई करना अच्छा होता है। हरी सब्जियां ना खाएं। सावन में हरी सब्जी खाना ठीक नहीं माना जाता। इस महीने इन सब्जियों में वात बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा बरसात भी होती है, जिससे हरी सब्जियों में इस महीने कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इनका सेवन करना ठीक नहीं होता। कच्चा दूध नहीं पिए। सावन के महीने में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। इसकी जगह पर उसे दही के रूप में बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। दूध सावन में पाचन शक्ति पर असर डालता है। ऐसे में दूध के शौकीन हैं तो दूध को पहले काफ़ी खौला लें और उसके बाद ही उसे ठंडा करके पिएं। मांसाहार से दूर रहें। सावन में मांसाहारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। बाबा को जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं है। आप स्वयं ही जानते हैं कि शिव परिवार के द्वारा प्रकृति के संतुलन को महत्व बताया गया है। आप देखते हैं कि माता पार्वती का वाहन सिंह है और भगवान शंकर का वाहन बैल है। उनके पुत्र गणेश का वाहन मूषक है तो उनके दूसरे पुत्र का वाहन मयूर है। ये वास्तव में एक दूसरे के शत्रु हैं, परंतु बाबा भोले की कृपा से एक दूसरे का अहित नहीं करते। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि इसमें यही संदेश निहित है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस माह वर्षा और बादल घिरे होने से सूर्य और चंद्रमा की किरणें शरीर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिससे पाचन शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती है। एक बात और है, इस माह में बैंगन बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इस माह में यह बैंगन खाना वर्जित माना गया है। सब्जियों में बैंगन को अशुद्ध श्रेणी में रखा गया है। बैंगन का स्वास्थ्य पर कभी कभी बुरा प्रभाव भी पड़ता है और यह पूरी तरह से पच भी नहीं पाता, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और बाबा भोले को प्रसन्न भी कर पाएंगे। एसोसिएट्स की ओर से हम आशा करते हैं कि सावन माह में शिव की कृपा दृष्टि आप सभी पर अविरल बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।